हेलो फ्रेंड्स, फिर से खैर मकदम करता हूँ आपको अपनी इस व्लॉग चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गांधी मैदान में हुई जन विश्वास रैली की। पहले भाग में हमने देखा कि तेजस्वी ने कैसे खुद को आम लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की, और इस भाग में हम देखेंगे कि सीताराम येचुरी जी और अखिलेश यादव जी ने किस तरह से लोगों के बीच में बात रखने की कोशिश की। सीताराम येचुरी जी ने समुद्र मंथन की बात करते हुए ये कहा कि किस तरह से अमृत कलश असुरु के हाथ में चला गया है और किस तरह से अब उसे वापस लिया जाए। और साथ में वही अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि यूपी में 80 और बिहार की 40 जो सीटें हैं, अगर लोग उनको देते हैं तो आगे का रास्ता बीजेपी के लिए काफी कठिन रहेगा। सबसे पहले मैं एक चीज को याद करना चाहता हूं, किसी इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके के रैलियां हुई थी। जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया। उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था, और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंज कर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में। तो इस बार भी ये जन सैलाब यहां से, ये सिर्फ इन रैलियों की बात नहीं है, अपने भारत का इतिहास ही पलट कर देखिए आप। जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलता है, तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इस बदलाव का ये एक शुभ संदेश है। और ये शुभ संदेश जो है आज पूरे देश में फैलेगा, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन आज क्यों कह रहे कि हमें मोदी को हटाना है, इस मोदी सरकार को हटाना है, ये जन विरोधी तो है ही। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब सह रहे हैं इस बात को। एक तरह से बेरोजगारी, दूसरे तरह से महंगाई और बेकारी और गरीबी, लेकिन दूसरी ओर से सबसे अहम बात जो कर रहे हैं, हमारा देश का चरित्र ही बदलना चाहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य से एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, नफरतवादी, एक फांसीवादी हुकूमत की तरफ वो पहुंच रहे हैं। अगर इसके ऊपर, इस तानाशाही के ऊपर, फांसीवादी तानाशाही के ऊपर अब अंकुश नहीं लगेगी, तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमारे संविधान की व्यवस्था को बचाना है आज, तो इस सरकार को गद्दी से उतारना अनिवार्य है। और ये जो काम है, ये एक देशभक्ति का कर्तव्य है। आज देशभक्ति का प्रतीक है कि आज जनता की, मोदी साहब की इस सरकार को हटाना है हमारे भारत को बचाने के लिए। और ये भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिनों में इस भारत को हम बदलेंगे, एक भारत, बेहतर भारत हमारे देश और जनता के लिए। लेकिन मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी, मोदी साहब आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे। हुआ क्या? आज हमारे इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर है। आपको हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने जबरदस्ती अपने आंदोलन करके इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए आपको जोर लगाया, जिसके चलते हुए आपको वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ आपने गारंटी दिया न्यूनतम दाम देंगे उनकी फसल के लिए, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने वादा किया, उस वादे को आज पूरा नहीं कर पाए। अरे मोदी साहब के गारंटी सब जुमले है, जुमले। जो असली गारंटी है जो काम करके दिखाता है, और ये काम
बिहार के अंदर अपने भाई तेजस्वी ने करके दिखाया, कितने लाखों के लिए यहाँ पर नौकरियां दी, और ये है गारंटी। गारंटी का मतलब है वो जनता तक पहुंचना है, और उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है तो भाषणों से नहीं, काम से होता है। और वो काम करने के लिए ये महागठबंधन और देश के अंदर इंडिया जो बनी है वो समूह, वो मिलकर एक आज वैकल्पिक सरकार ले आएंगे। इसलिए क्योंकि कई सारे वक्ता है, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृत काल है, अमृत काल चाहते हैं हम देश की जनता के लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन अमृत की पैदाइश कैसे हुई? समुद्र मंथन से। जब अमृत पैदा होता है, समुद्र के चारों ओर देवी देवता बैठे थे, गलत लोग भी बैठे थे, राक्षस भी बैठे थे। अब जब अमृत के साथ साथ दो कलश निकलते हैं, एक अमृत और एक जहर का, और इत्तेफाक से जहर का कलश जो है देवियों के, देवताओं के हाथ में आ जाता है, और अमृत का कलश गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। ये वही विष्णु पुराण बताता है। अब ये देवता लोग कैसे अमृत का कलश वापस ले अपने हाथों में, वो अलग कहानी है। लेकिन हम और आप और अपना देश आज उस मुकाम पर खड़ी है जब गलत लोगों के हाथ में ये अमृत का कलश पहुंचा है। अगर अमृत का लाना है तो इस अमृत के कलश को गलत लोगों के हाथ से, यानी मोदी सरकार के हाथ से, इसको खींच कर ले आना होगा हमें, जनता के हित में और हम सबके हित में। और ये काम करना है तो इस सरकार को हटाना है हमारे देश के हित में, लोगों के हित में। तो आइए सब मिलकर आज इस गांधी मैदान से, जब भविष्य बदलने वाली आह्वान जो अक्सर हुआ करती थी वो फिर से दे, कि आज आने वाले दिनों में भारत को हम बचाएंगे मोदी सरकार को हटा के, और आगे को भारत को हम बदलेंगे एक बेहतर भारत के रूप में। ये काम के लिए बिहार की जनता उठेगी और वो उन बात फैलेगी पूरे देश भर में। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम, मैं आप सबको मेरी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद। कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी, समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख वोट
और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया, अभी 3,00,000 नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10,00,000 नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है, ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई, ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं, और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पे आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।